कल एब्सेंट हो जाओ, कह देना कि कोरोना हो गया है। कल सरकार हमारी हो जाएगी और फिर स्पीकर हमारा होगा, उसके बाद हम संभाल लेंगे, तुम एब्सेंट हो जाना। याद आया? अगर याद नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये लाइंस उसी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन की है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और भाजपा के विधायक लल्लन पासवान के बीच में हुई है। अब ये बातें भी सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने एनडीए के और भी नेताओं को फोन किया था और वो नेता अब आगे बढ़ बढ़ कर बयान दे रहे हैं कि उन्हें लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से कुछ प्रस्ताव आए थे। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने उनसे संपर्क करने की बहुत कोशिशें की थी, उन्हें ये लालच दिया गया था कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनके विधायकों को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। जीतन राम मांझी ने आगे ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव जेल में हैं या जेल से बाहर, ये बात अब उनकी समझ में नहीं आ रही है। सुशील मोदी जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और वो जिन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में एक पद से नवाजा गया है, मुकेश सहनी, वो भी आगे बढ़कर अब ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से उन्हें भी ऑफर दिया गया था लेकिन उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वो अब फिर से लालू प्रसाद यादव के किसी झांसे में नहीं फंसने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के जिस ट्वीट से उन्होंने ये जानकारी दी थी कि एनडीए के विधायकों को लालू प्रसाद यादव की तरफ से फोन आ रहा है, ट्विटर ने अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। ट्वीट को डिलीट करने की वजह ये रही कि उस ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ने पूरा का पूरा टेलीफोन नंबर लिख दिया था। टेलीफोन नंबर लिखने के साथ सुशील कुमार मोदी ने यह भी लिखा था कि इस नंबर से लालू प्रसाद यादव ने उनके विधायक को फोन किया था और जब उन्होंने खुद उस नंबर पर कॉल बैक किया तब लालू प्रसाद यादव ने ही फोन उठाया था, जिनसे उन्होंने ये कह दिया कि जेल से बैठे बैठे ऐसी चालें ना चले, वो इन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि ट्विटर ऐसे कोई भी ट्वीट जिसमें किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सार्वजनिक किया जाता है उसे अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग डिलीट कर देता है और अगर कोई इंसान अपने ट्वीट के डिलीट होने के बावजूद लगातार ऐसी हरकतें करे तो ट्विटर उसके अकाउंट को परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है। अब आपको चलिए पूरे मामले का एक बार रिकैप करा देते हैं। तो हुआ यूं था कि भाजपा के विधायक लल्लन पासवान के पास एक टेलीफोन नंबर से कॉल आया था। फोन पे इंसान अपने आप को लालू प्रसाद यादव बता रहा था और ये कह रहा था कि लल्लन पासवान को अगले दिन होने वाले स्पीकर के चुनाव में राजद के प्रत्याशी का समर्थन करना चाहिए। जब लल्लन पासवान ने ये कहा कि वो पार्टी का हिस्सा है तब सामने से आवाज आई कि अगर पार्टी का हिस्सा हो और तुम ये नहीं कर सकते तो तुम बस कल एब्सेंट हो जाओ, कह देना कि कोरोना हो गया है, इनकी सरकार हम गिरा देंगे, स्पीकर हमारा होने के बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। लल्लन पासवान ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि उस वक्त जब उन्हें फोन आया तो वो संजोग से सुशील कुमार मोदी जी के साथ ही बैठे हुए थे और इसीलिए ये सारा मामला सबके सामने आ पाया। आपको ये भी बता दें कि राजद की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये टेलीफोन कॉल फर्जी है, कोई और है जो लालू प्रसाद यादव की आवाज निकाल कर बात कर रहा है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने भी कल अपने बयान में यही कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव जी की आवाज निकाल सकते हैं, इस फोन की कॉन्वर्जेशन में जो आवाज सुनाई जा रही है वो लालू प्रसाद यादव जी की नहीं है। आपको ये भी बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में इस पूरी के पूरी कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर भी किया है, आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। यहाँ मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारा चैनल इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि उस टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में जो आवाज़ है वो लालू प्रसाद यादव जी की है या फिर नहीं। अब देखना ये है कि ये जो मामला इतना बढ़ता जा रहा है उसमें क्या सचमुच सीबीआई की जाँच होती है या नहीं, और अगर जाँच होती है तो क्या सच सामने आएंगे, क्या सचमुच राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अलग अलग विधायकों को फोन करके उनसे उनका समर्थन मांग रहे हैं या फिर एनडीए की ही कोई साजिश है या फिर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ही है जो बहती गंगा में अपना हाथ धो रहा है। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद से हमारी टीम तक डोनेशन के रूप में अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
मैं हूं सौम्या राठी और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।